अलग से सदा पानी आवे आवे तो ले रोड ये पर भागे हैं सब आदमी जान बचा के बच्चा सब लेके। सीतामढ़ी में बागमती की रौद्र रूप धारण करने के बाद लोग ऊंचे स्थान पर भागने लगे हैं। बता दें कि तीन जगहों पर सीतामढ़ी में बागमती नदी की बांध टूटी है, जिसके बाद से हजारों घर के लोग विस्थापित हो चुके हैं। बाढ़ से प्रभावित होने वाले हजारों परिवार के लोग जैसे तैसे जान बचाकर अपने बच्चों को लेकर ऊंचे स्थान पर भागते हुए नजर आए। सभी अपने मवेशी तक को कुछ लोग नहीं बचा सके, यहाँ तक कि घर में रखा जीवन भर की कमाई सभी सरकारी सहायता की भेंट अपेक्षा रख रहे हैं। बेलसंड के मतकौल बांध टूटने के बाद अब लोग पलायन शुरू कर दिए हैं। लोग अब ऊंचे स्थान के तलाश में निकल पड़े हैं और जहां तहां स्थान ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोग सैकड़ों की संख्या में यहां पर बांध पर आकर शरण लिए हुए हैं, जो उस प्रभावित क्षेत्र से आकर यहां अपना डेरा डाले हुए हैं, मवेशियों को रखे हुए हैं, मवेशी भी बांधे हुए हैं बच्चों के साथ, अब यह यहां पे हैं। लेकिन अभी जो है बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम यहाँ उपस्थित लोगों से बात करते हैं कि क्या व्यवस्था की गई है। पलायन हो गया, आप लोग बाढ़ क्षेत्र से आए हैं? हाँ जी। क्या व्यवस्था मिला? कुछ कुछ नहीं मिला, वे पूरा पानी घर में डूबा पड़ा, सारे सामान भी दह गया। सारा सामान दह गया, दह गया। क्या क्या था उसमें? धान गेहूँ चावल आटा सारे था उसमें, बहुत सारे सामान था, सब दह गया, सारे दह गया। भैंस का खाने वाला टूटा बांध टूट गया, जो नीचे से भूर फूट गया था। अच्छा, जब गिरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजू। गेल एगो पारा अलग से दहा गेल, बकरी पटरू सब दहा गेल, बांध पर अगर ले हते चीज बस अलग से सब दहा गेल, सब दहा। तले पानी आबे आबे तले रोड पर करके भगली बांध पर। की नाम है? गीता देवी। किस लिए यहाँ पर बाढ़ आ गया? बाढ़ आ गया। कैसे आए हैं? जी भागे हैं सब आदमी यहाँ पे। बांध टूटा उसके बाद? जी। क्या नाम है? पूजा देवी। बांध कैसे टूटा है सर, हमको तो नहीं पता है, लेकिन बांध टूट गया था, हम यहाँ आए हैं जान बचा के बच्चा सबके लेके। बच्चों को भी लेके आए? जी। बच्चा को सामान भी लेके आए? नहीं कुछ नहीं, सब घर में दार है ना, नहीं मिला, अचानक भागे हम। क्या नाम है? मेरा नाम सुधाम। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर बांध पर ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं। भरत चौबे, न्यूज 18 लोकल, सीतामढ़ी।